नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बुधवार को नागपुर के सेंटर पॉइंट होटल में एनवीसीसी द्वारा व्यापारी उद्योजक संवाद का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार की खास मौजूदगी रही। इस दौरान शरद पवार ने उपस्थित व्यापारियों का स्वागत करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में ये हमेशा ज्यादा रही है, और एक बात ये भी सही है कि जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो न सरकार के पास रेवेन्यू आएगा, न हम किसी की गरीबी दूर कर पाएंगे, न किसी की बेरोजगारी को हम दूर कर पाएंगे, और न हमारे समस्त राज्य की या परिसर का विकास कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो एक बैरोमीटर होता है। अभी हम एयरपोर्ट से पवार साहब के साथ आए, जैसे ही होटल में पहुंचे रेडिसन, तो पवार साहब ने वो उनके मैनेजर आए गुलदस्ता देकर, तो पवार साहब ने क्या पूछा, आपकी ऑक्यूपेंसी कितनी है? तो उन्होंने बोला 70%। तो पवार साहब ने फिर मेरे सामने देखा, बोले चलो बड़ा है थोड़ा, शुरू उतर ही डाला। तो इसका मतलब उनके मन में जो सोच है, जो दृष्टि है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के माध्यम से आज अगर हम कहीं भी हम जाते हैं, हम भी चुनाव लड़ते हैं, अभी हमारे भाई साहब ने भेल की बात की या कोई और प्रोजेक्ट की बात की, तो हम भी चाहते हैं हम अपने अपने इलाकों में हम प्रोजेक्ट्स लाए, क्योंकि उस उद्योग के साथ पहले तो रोजगार मिलता है, रोजगार के अलावा उस परिसर में आर्थिक विकास होता है, छोटी मोटी दुकानें शुरू होती है, होटलें शुरू होती है, किसी का ट्रांसपोर्ट का काम बढ़ता है, किसी की रेस्टोरेंट का काम बढ़ता है, तो एक उद्योग या एक व्यवसाय के साथ अनेक लोगों का उसमें बड़ा फायदा होता है। ये बात पवार साहब को मुझे समझाने की है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वो इसमें पीएचडी है।